नमस्ते। आज हम देखेंगे बल्क रजिस्ट्रेशन का कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में हमें आना है। यहाँ पे हमारे पास बल्क रजिस्ट्रेशन करके एक मेन्यू है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बल्क रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर बल्क रजिस्ट्रेशन का यूज़ ऐसा रहता है कि हम लोग अपने ईआरपी में जो भी यूज़र का नंबर वगैरह ऐड करते हैं, जो भी नंबर सेट करते हैं, पेरेंट्स हो या चाहे कोई भी रोल हो हमारे पास, उन सब का जो भी हम लोग नंबर यहाँ पे डालते हैं, उनको आईडी पासवर्ड शेयर करने के लिए उनको रजिस्टर होना पड़ता है। तो दो तरीके से हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। एक वो ज्वाइन नाउ करके, जो ऐप से अगर रजिस्टर होना चाहते हैं तो ऐप से भी हो सकते हैं, और अगर वेब वर्जन से होना चाहते हैं तो साइन अप करके वहाँ पे खुद का डिटेल पासवर्ड वगैरह सेट करके वो रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। और अगर इंस्टीट्यूट चाहती है कि उनको आईडी पासवर्ड इंस्टीट्यूट खुद भेजे, तो इन दिस केस उनको बल्क रजिस्ट्रेशन ऑप्शन यूज करना होता है, जिसमें यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए आपको बल्क रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सिंगल क्लासरूम सिलेक्ट कर देना है, और जो भी क्लासरूम आप सिलेक्ट करोगे उसमें अगर आपने स्टूडेंट रोल के अंदर नंबर डाले होंगे तो स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, और अगर पेरेंट के अंदर नंबर डाले हैं तो पेरेंट सिलेक्ट करना है। तो इस हिसाब से आप जो भी सिलेक्शन करोगे उस हिसाब से यहाँ पे आपको ऐड होते जाएंगे, ऑडियंस ऐड होती जाएगी। अगर आपको ऑडियंस वाइज आपको भेजना है तो एडिट ऑडियंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो भी ऑडियंस रहेंगे उनका पूरा लिस्ट मिल जाएगा। तो जिस जिस ऑडियंस को आपको भेजना है और जिसको नहीं भेजना है आपको लिस्ट सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑडियंस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे एसएमएस के थ्रू अगर आईडी पासवर्ड भेजना है तो एसएमएस वाला यूज करना है। अगर आपके पास एसएमएस बैलेंस अवेलेबल है तो आप एसएमएस बैलेंस यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास सेंड पासवर्ड, मतलब आप ईमेल भी अगर परचेस किए हुए और ईमेल का अगर बैलेंस आपके पास है तो ईमेल भी आप भेज सकते हो। तो इन दिस केस आप यहाँ पे सिलेक्ट करके जैसे आप मेक बल्क रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे और जैसे ओके बटन पे क्लिक करोगे, तो इस हिसाब से आप कोई भी रोल को एक साथ मल्टीपल यूजर्स को आईडी एंड पासवर्ड शेयर कर सकते हो।